सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ की ब्राडिया स्कूल के पास कतरात्रि को लाठी भाटा जंग के मामले में पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए 7 लोगों को शांति भंग के आरोपी गिरफ्तार किया है। एएसपी सीताराम महेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 28 दिसंबर की रात्रि को ईदगाह मस्जिद के पास लोहार बस्ती में झगड़ा होने की सूचना पर डीएसपी नरेंद्र शर्मा प्रोबेशनल आरपीएस कैलाश कंवर मय जब्ता के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां पर काफी व्यक्ति इकट्ठे होकर पत्थरबाजी कर रहे थे, जिन्होंने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव कर दिया, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा व फाटक टूट गए। मौके पर भीड़ ने पुलिस के वाहन पर पत्थर फेंके और राजकार्य में बाधा डाली। पुलिस थाने में राजकार्य का बाधा मुकदमा हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी के हेड कांस्टेबल बीरबल राम की ओर से दर्ज करवाया गया है। एएसपी सीताराम महेश ने बताया कि मामले में कुल 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी ने बताया कि 7 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके मेडिकल करवाया गया है। वहीं शीघ्र ही आरोपियों को मुकदमों में भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज व वायरल वीडियो के माध्यम से आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। एएसपी ने आम लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति वीडियो को वायरल न करे और न ही किसी प्रकार से सोशल मीडिया पर फैलाने अपनी भूमिका निभाए, क्योंकि यह भी अपने आप में एक बड़ा अपराध है। उन्होंने लोगों से इस प्रकार की हरकतों से बचने की अपील की है। एएसपी ने बताया कि किसी भी प्रकार से सुजानगढ़ में कानून व्यवस्था में बाधा पहुंचाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कल सुजानगढ़ के अंदर रात्रि में 2 समुदायों के बीच में आपसी कहासुनी और गाली गलौजी घटना का एक विकराल रूप सामने आया। दोनों पक्षों के द्वारा जो पथराव किया गया, जिसमें 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए, पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ, काफ़ी लोगों के पथराव के अंदर चोटें आई। एक बार माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था, मौके पे पुलिस बल पहुंचा, बड़ी मुश्किल से स्थिति को कंट्रोल में किया और वहां जो उपद्रव कर रहे थे उनमें से 7 व्यक्तियों को मौके पे गिरफ्तार किया। दोनों पक्षों के द्वारा 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं क्रॉस में। एक मुकदमा पुलिस के द्वारा पुलिस की गाड़ी पर पथराव और राजकार्य में बाधा का दर्ज किया गया है। इन मुकदमों में जिन 7 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, ये जो क्रॉस केस है इसके अंदर आपस के अंदर दोनों आरोपी हैं, इनको आज इन क्रॉस केसों में गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना की वीडियो वायरल हो रही है, सीसीटीवी फुटेज जो आसपास थे उसमें पुलिस ने भी उनको चेक किया है, जिससे इस घटना में जो लोग पथराव कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। मेरा जनता से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, ऐसे वीडियो वायरल नहीं करें। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के अंदर जिन आरोपियों के द्वारा पथराव किया जा रहा है उनकी पहचान करके और उनके खिलाफ़ विधि विरुद्ध जो उन्होंने एक्शन कार्रवाई की है उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको इन प्रकरणों में गिरफ्तार किया जाएगा। आप के माध्यम से मेरा जनता से अनुरोध है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनके अंदर अनावश्यक रूप से शामिल नहीं हों और इस प्रकार के वीडियो हैं वो वायरल करने से रोकें और सद्भावना बनाए रखें। ये प्रकरण कल ही दर्ज हो चुके हैं और शांति भंग में तत्काल गिरफ्तारी की गई है ताकि आगे कोई अपराध घटित नहीं हो, कानून व्यवस्था कंट्रोल में की जा सके। हमने आज अनुसंधान करके इन जो आरोपी हैं इनको आज ही इन मुकदमों में गिरफ्तार करेंगे।